आम जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी के बाद अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब राजधानी दिल्ली में 14 किलो के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी के दाम 22 मार्च को 50 रुपए बढ़े थे। इसी महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की थी। ये दाम 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के इस सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में 2355 रुपए 50 पैसे हो गई है। पहले इसकी कीमत 2253 रुपए थी। वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। एक महीने पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। खाने पीने की चीजें हो, जरूरी सामान हो या फिर पेट्रोल डीजल, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, जो आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा रहा है। और अब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी के लिए खाना पकाना और महंगा हो जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सपा के सीनियर लीडर आजम खान को लेकर तरह तरह के कयास लगते रहे हैं। ऐसी खबरें आई कि आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते तल्ख हैं। इसी बीच आजम खान को कांग्रेस से निमंत्रण मिला है। दरअसल उनका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रयागराज के कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने एक पोस्टर लगाकर आजम खान को पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इरशाद उल्ला ने जो पोस्टर लगाया है उसमें लिखा है कि माननीय आजम खान साहब, कांग्रेस में आइए, आपका स्वागत है। पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर भी लगी है, जबकि पोस्टर में आचार्य प्रमोद कृष्णम की तस्वीर भी लगाई गई है। पोस्टर पर कांग्रेस के किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है। बताते चले कि इससे पहले भी इरशाद उल्ला इस तरह के विवादित पोस्टर लगाते रहे हैं। कुछ महीने पहले इरशाद उल्ला ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी से जुड़ा एक पोस्टर लगाया था। उस पोस्टर में वरुण गांधी को कांग्रेस ज्वाइन करने से जुड़ी बातें लिखी गई थी। इस पोस्टर को लेकर खूब हंगामा भी हुआ था। अब आजम खान से जुड़ा एक पोस्टर वायरल है और उस पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। दरअसल आजम खान यूपी के सीतापुर जेल में बंद हैं। कुछ दिनों के दरमियान उनके कई राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात हुई। ऐसी खबरें आई थी कि आजम खान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। वो अपने राजनीतिक विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद आजम खान से जुड़े कई मुस्लिम नेताओं ने सपा से इस्तीफा भी दे दिया था। उनका आरोप था कि सपा नेताओं पर कार्रवाई हो रही है और अखिलेश यादव खामोश हैं। इसी बीच आजम खान के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ा पोस्टर लगाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां मौजूद है हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ। वही काशी विश्वनाथ जहां मंदिरों से घिरी एक मस्जिद, जिसे पहचाना जाता है ज्ञानवापी के नाम से, वो इन दिनों खूब चर्चाओं में है। इस पर देश की सियासत भी इन दिनों खूब उफान मार रही है। कारण है, यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों का कराया जा रहा सर्वे, जो करवाया जा रहा है वाराणसी के वरिष्ठ जज डिवीजन के आदेश पर। लेकिन ये बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को अखर गई है। उन्होंने इस तरह के सर्वे पर कड़ा एतराज जताया है। उनका कहना है कि मस्जिद का ये सर्वे कानून का उल्लंघन है। AIMIM चीफ ओवैसी ने इस मामले में ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए इसे अधिनियम का उल्लंघन बताया है। अयोध्या फैसले का जिक्र करते हुए ओवैसी ने एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अधिनियम दरअसल भारत की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो हमारे संविधान की बुनियादी खासियतों में से एक है। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के कराए जा रहे सर्वे पर
कड़ी आपत्ति जताते हुए ओवैसी ने कहा कि इस तरह का सर्वे मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता भी खोल सकता है। उन्होंने कोर्ट के सर्वे के फैसले को लेकर कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने खास तौर से साल 1980 से 1990 के बीच रथ यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि ये स्थितियां रथ यात्रा के प्रभाव की वजह से पनपी हिंसाओं के जैसे हालात पैदा कर सकती हैं। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला साल 1991 से ही वाराणसी के स्थानीय कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन इस मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी का मामला अभी ताजा ही है, जिस पर करीब 7-8 महीने से ही कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने बतौर वादी श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज दर्शन और पूजा की मांग को लेकर एक वाद दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने, वकीलों के कमिश्नर की नियुक्ति और 3 दिन की पैरवी का आदेश सुनाया था। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पुलिस की गिरफ्त से छूटते ही दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। शुक्रवार देर रात जब वो अपने आवास पर पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं और परिजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता उन्हें मिठाई खिलाते दिखे। इस दौरान तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि जिन्हें ये लगता है कि पुलिस की मदद से वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि बीजेपी कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। स्थानीय पुलिस के किसी भी अधिकारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर चाहे तो मुझ पर 100 से अधिक केस दर्ज करा ले, लेकिन उन्होंने कश्मीरी पंडित के संबंध में जो बयान दिया उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। ऐसा होने तक लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो एक FIR से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा लेंगे। आज मैं उनको चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक नहीं 100 FIR करें, तब भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। जिन्होंने कहा था चुनाव के अंदर कि 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, हम वो सवाल पूछते रहेंगे, चाहे मेरे ऊपर एक नहीं 100 FIR करो। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला था, हमने उनसे माफ़ी की मांग की, हम तब तक माफ़ी की मांग करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब तक वो उस बयान के लिए जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े नरसंहार, जो देश की आज़ादी में सबसे बड़ा एक हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसको झूठा बोला, हम तब तक माफ़ी की मांग करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, चाहे उसके लिए मेरे ऊपर एक नहीं 100 FIR हो। देखिए, क्योंकि जो पंजाब पुलिस की डिटेंशन थी, अरेस्ट थी, वो इलीगल थी। एक कानून का नियम है कि आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, MM के सामने पेश नहीं किया गया, मुझे किसी से बात करने का मौका नहीं दिया गया। और जिस तरीके से किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उस तरीके से 40 से 50 पुलिसकर्मी दिल्ली आते हैं, 15 से 20 पुलिसकर्मी मेरे घर के अंदर घुसते हैं और मुझे लीगल तरीके से अरेस्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अगर सोचते हैं कि इस तरीके की हरकतों से वो हमें डरा लेंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की थी। तेजिंदर के घर लौटने के बाद उनके पिता ने कहा कि पुलिस आई और तेजिंदर को घसीटने लगी, उन्होंने उसे पगड़ी तक बांधने का मौका नहीं दिया। ये हमारे धार्मिक उसूलों के खिलाफ है। इस पूरे मामले पर मैं अपने समाज के भाइयों से आवाज़ उठाने की अपील करता हूँ। फिलहाल मेरा बेटा वापस आ गया है, सच्चाई की जीत हुई है। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, बग्गा ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाने की अगर ये सजा है तो ये गुनाह हम हर बार करेंगे। लोकतंत्र की जीत है, ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई बग्गा ने लड़ी है वो न्याय की जीत है। देखिए, वो चाहे कोई भी हरकत करे, बीजेपी कार्यकर्ता ना झुकने वाला है, ना रुकने वाला है, ना थकने वाला है और ना डरने वाला है। हम ये संघर्ष सड़कों पर लड़ेंगे और अगर केजरीवाल पर सवाल उठाने की सजा है तो ये सजा भी हम, ये गुनाह भी हम हर बार करेंगे। दरअसल शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मोहाली में रहने वाले आप नेता की ओर से FIR दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की।
लेकिन मोहाली जाने के दौरान हरियाणा पुलिस ने उन्हें उस वक्त रास्ते में रोक दिया जब दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता के पिता के बयान के आधार पर बग्गा के अपहरण की शिकायत दर्ज कर ली तो हरियाणा पुलिस ने बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और सिपाहियों सहित सभी को डिटेन कर कुरुक्षेत्र जिले के थाने लेकर आई। वारंट मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम कुरुक्षेत्र पहुंची और बग्गा को वापस दिल्ली ले आई। देश में कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना के आंकड़े 3000 के पार बने हुए हैं। अगर ऐसे ही आंकड़ा बढ़ता रहा तो संक्रमितों की संख्या 4000 को भी पार कर जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले चौथी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं जो चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में पिछले 24 घंटे में 3,805 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल के मुकाबले 7% ज्यादा हैं। नए कोरोना मामलों के सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,98,743 हो गई है। वहीं कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में 22 लोगों की जान गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,24,024 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 3,168 कोरोना मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटने में कामयाब रहे। 3,168 लोगों के कोरोना से ठीक होने के बाद रिकवरी का आंकड़ा 4,25,54,416 तक पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल देश में एक्टिव मामले 20,303 हो गए हैं। ये कुल संक्रमण का 0.05% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रिकवर होने वालों की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 487,544 परीक्षण किए गए हैं, जिसके बाद कुल परीक्षण का आंकड़ा भी 84.03 करोड़ तक पहुंच चुका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 190 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली में कोविड केसेस पर नजर डालें तो यहां कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोविड 19 के 1,656 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये 4 फरवरी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1,306 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,096 हो गई है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 5.39% हो गई है। एक दिन पहले शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए कुल 30,709 परीक्षण किए गए। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मौत नहीं हुई है। बता दें कि मई से पहले के कुछ महीनों में देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद कई राज्यों ने कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला किया था। लेकिन कोरोना के तेजी से बढ़ने के मामलों ने एक बार फिर से राज्य सरकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।